जब भी आपको एक्स्ट्रा रन या फिर ओवर ट्रैवल का अलार्म दिखे कंट्रोलर में, तो सबसे पहले आपको पीएलसी का सिग्नल देखना है उस एक्सिस से रिलेटेड। जैसे मेरे पास है, यहाँ जेड एक्सिस के लिए है E32.4 और एक्स एक्सिस के लिए है मेरा E32.4। तो सबसे पहले आपको स्टेटस देख लेना, या तो आप पीएलसी के कार्ड में जाकर देख सकते हैं कि इसमें सिग्नल हाई है कि नहीं, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी एक्स्ट्रा रन दे दिया और साथ में इमरजेंसी भी आता है, तो कभी कभी मे बी ये भी हो सकता है कि आपका पीएलसी का कार्ड ख़राब हो। लेकिन आप इतने वर्स्ट कंडीशन में नहीं जाएंगे। पहले जब ओवर ट्रैवल आ गया तो आपको एक्सिस को देख के भी पता चल जाएगा कि ओवर ट्रैवल हुआ है कि नहीं, तो आप उस समय अपना एक्सिस देख लीजिए क्या है कैसा है। जो भी कंडीशन आपको पता चल जाएगा कि सही में ओवर ट्रैवल उतना दूर चला गया होगा, तो ऑब्वियसली बात है ओवर ट्रैवल कर गया होगा, तो आप सिग्नल देख लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको रिमूव करने के लिए सिग्नल, जैसे क्या होता है इसमें कि ओवर ट्रैवल कर जाता है, तो जैसे ये ओवर ट्रैवल करता है तो उस समय ऐसा होता है कि जो सिग्नल है पीएलसी का वो डिसकनेक्ट हो जाता है। मतलब उसमें जो हाई होना था एक्चुअली E32.4 या फिर E32.3 दोनों एक्सिस के लिए, तो वो एक्चुअली में ज़ीरो हो जाता है। तो ज़ीरो हो गया तो ऑब्वियस ही बात है अलार्म तो आएगी ही। तो इस समय क्या करना है आपको, इस समय कर देखना है कि एक्सिस का पोजिशन कहाँ है, सही में है तो ठीक है ओवर ट्रैवल कर गए। अब क्या करना है आपको, आपको थोड़ी देर के लिए उस सिग्नल को हाई करके रखना है, उसके बाद मतलब इन द सेंस बाईपास करना है उसको, सिग्नल दे के रखना है 24 वोल्ट जो भी है उस कार्ड में, जो 24 वोल्ट जाता है एक्सिस के लिए, जो ओवर ट्रैवल वाला इनपुट है उसको देना है। जैसे E32.4 जेड एक्सिस है ओवर ट्रैवल कर गया, तो आपको E32.4 को 24 वोल्ट देना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आपको एक्सिस को जॉग मोमेंट में इधर लेके आना है, उसके बाद फिर आप इनपुट हटाएंगे, फिर आप सिग्नल देंगे। तो इससे क्या है, ऐसे में फिर मेरा जो वो है रिजॉल्व हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं ओवर ट्रैवल के लिए।